सभी को मेरा नमस्कार। 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखिए। श्रीमान, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में जिसकी पूरक मांगें पेश की गई हैं और जो इस वर्ष में ज़्यादा खर्चा हो गया है उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी ही मांग पेश की गई है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। 2:30 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब करीब 4 घंटे यह बहस हुई है। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया और इस बात का सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है। जिन सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार हुए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे कि और अधिक सुधार किया जा सके। पैराचेंज महोदय, यह तो पूरक मांगों की बहस थी लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि अगर पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय भी वाद विवाद होता ही है। तरीका तो एक ही है कि पूरक मांगें जब पेश की जाएं तो जिन मुद्दों पर वह पेश की गई हैं उन पर ही बहस की जाए। इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों से वह चला आ रहा है कि इस पर भी साधारण बहस हो। मान्यवर, साधारण बहस इस पर हो गई। आपने स्वयं इसमें हिस्सा लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के कहने से बोले। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। साधारण बहस जो बजट के समय आरंभ होती है वह 2 दिन चलती है। उसमें जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई इसलिए सब बातों का उत्तर देना ना तो संभव है और ना इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में साधारण बजट पर बहस का उत्तर ना तो संभव है और ना इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय विस्तार से प्रकाश डाला
जा चुका है, फुल स्टॉप।